हाईवे ते वड्डी वारदात वापरी है। I-20 कार जिस दे विच एक लड़का ते दो लड़कियां सवार सन, उन्हां दा पिछा कुछ बदमाशा वालों कीता जांदा है ते हाईवे ते ही उन्हां नूं रोक लिया जांदा है ते दूजी गड्डी तो तीन व्यक्ति बाहर निकलदे ने ते I-20 कार ते हमला कर दिंदे ने, जिस तों बाद कार दे विच मौजूद मुंडे अते कुड़ी नूं कार तों थल्ले उतार के उन्हां नाल भी कुटमार कीती जांदी है ते उन्हां नूं अगवा कर लिया जांदा है। इह घटना वापरी है करनाल नैशनल हाईवे ते। गड्डी दे बाहर लड़की दे सैंड मिले ने ते चश्मा भी गिरिया होया मिले। दसया जा रहा है कि हमला करने वाले व्यक्ति गड्डी च सवार लड़का ते लड़कियां नू अपने नाल ले गए ने, जिस तो बाद घटना स्थान ते लड़के दा दोस्त पहुंचिया ते लगातार अपने दोस्त दे नाल फोन ते संपर्क करन दी कोशिश भी करदा नजर आया पर नंबर नहीं मिलदा। लापता लड़के दे दोस्त ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी अगले दिन की लंडन की फ्लाइट है पर वह एक दिन पहला ही इस वारदात का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस भी घटना स्थान ते पहुंची है ते जांच पड़ताल च जुटी हुई है। उसको पता नहीं लग रहा, फोन भी नहीं उठा रहे, वो पीछे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीछा कर रहे तो कुछ पता ही नहीं है क्या चक्कर है। उसकी कल की फ्लाइट है जी, उसकी आगे में कितने लोग थे? तीन लड़के हैं बता रही है। मैं तो यहाँ आया हूँ तो मेरे को पता लगे हैं। बता रहे कोई महिला मित्र भी थे? कुछ नहीं पता जी इस बारे में। तो क्या नाम है लड़के का? सौरभ राणा। कल की फ्लाइट उनकी? बताया जाएगा पूरा मामला क्या था सर, कहाँ पर क्या मामला आया थोड़ा सा सर जानकारी। भाई अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, आप लोगों का सूचना मिली, हम उस पाए हैं, पता करेंगे क्या गाड़ी पर हमला हुआ है सर। खड़ी आपके सामने खड़ी, हमने तो आपसे ही सूचना मिली, हमें नहीं पता क्या हुआ, पता कर रहे थे बताऊंगा। पता करते हैं क्या मामला, भी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं कुछ भी। हाईवे ते वड्डी वारदात वापरी है। I-20 कार जिस दे विच एक लड़का ते दो लड़कियां सवार सन, उन्हां दा पिछा कुछ बदमाशा वालों कीता जांदा है ते हाईवे ते ही उन्हां नूं रोक लिया जांदा है ते दूजी गड्डी तो तीन व्यक्ति बाहर निकलदे ने ते I-20 कार ते हमला कर दिंदे ने, जिस तों बाद कार दे विच मौजूद मुंडे अते कुड़ी नूं कार तों थल्ले उतार के उन्हां नाल भी कुटमार कीती जांदी है ते उन्हां नूं अगवा कर लिया जांदा है। इह घटना वापरी है करनाल नैशनल हाईवे ते। गड्डी दे बाहर लड़की दे सैंड मिले ने ते चश्मा भी गिरिया होया मिले। दसया जा रहा है कि हमला करने वाले व्यक्ति गड्डी च सवार लड़का ते लड़कियां नू अपने नाल ले गए ने, जिस तों बाद घटना स्थान ते लड़के दा दोस्त पहुंचिया ते लगातार अपने दोस्त दे नाल फोन ते संपर्क करन दी कोशिश भी करदा नजर आया पर नंबर नहीं मिलदा। लापता लड़के दे दोस्त ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी अगले दिन की लंडन की फ्लाइट है पर वह एक दिन पहला ही इस वारदात का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस भी घटना स्थान ते पहुंची है ते जांच पड़ताल च जुटी हुई है। उसको पता नहीं लग रहा, फोन भी नहीं उठा रहे, वो पीछे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीछा कर रहे तो कुछ पता ही नहीं है क्या चक्कर है। उसकी कल की फ्लाइट है जी, उसकी आगे में कितने लोग थे? तीन लड़के हैं बता रही है। मैं तो यहाँ आया हूँ तो मेरे को पता लगे हैं। बता रहे कोई महिला मित्र भी थे? कुछ नहीं पता जी इस बारे में। तो क्या नाम है लड़के का? सौरभ राणा। कल की फ्लाइट उनकी? बताया जाएगा पूरा मामला क्या था सर, कहाँ पर क्या मामला आया थोड़ा सा सर जानकारी क्या। भाई अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, आप लोगों का सूचना मिली, हम उस पाए हैं, पता करेंगे क्या गाड़ी पर हमला हुआ है सर। खड़ी आपके सामने खड़ी, हमने तो आपसे ही सूचना मिली, हमें नहीं पता क्या हुआ, पता कर रहे थे बताऊंगा। पता करते हैं क्या मामला, भी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं कुछ भी।